हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू अन अकेडमी। फ्रेंड्स, मैं हूं आनंद और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक की जो पेपर टू आईआर में आपको हेल्प करेगा टू राइट अ गुड आंसर ऑन द डिप्लोमेसी। यू सी, इंडिया ने अभी कोविड के वैक्सीन को बड़े स्केल पे डेवलप कर लिया है, उसका प्रोडक्शन कर लिया है एंड नाउ वी आर ऑन द पाथ टू सप्लाई द वैक्सीन्स टू मेनी नेशंस ऑफ द वर्ल्ड। हम विश्व के अलग अलग देशों को वैक्सीन सप्लाई कर रहे हैं और जिस कारण से इसे कहा जा रहा है वैक्सीन डिप्लोमेसी। तो हम आज बात करने वाले हैं ऑफ द वैक्सीन डिप्लोमेसी कि ये क्या होती है। यू सी, इंडिया ने अपने रिलेशंस को मजबूत करने के लिए बहुत चीज़ों का सहारा लेते हैं देश, जैसे हमने अफगानिस्तान को एड दिया, नेपाल को असिस्टेंस दिया, किसी कंट्री में इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, किसी को सिक्योरिटी एस्पेक्ट में हेल्प किया, कहीं कहीं हम रिलीजन और कल्चर की बात करते हैं अपने असिस्टेंस को करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करें हमारे इंडियन ओशन नेशंस की, द नेशंस जो इंडियन ओशन के रिम पे स्थित हैं उनके साथ हम कल्चर की बात करते हैं, सिक्योरिटी की बात करते हैं, ग्रोथ की बात करते हैं। सो दीज आर द वेरियस एरियाज थ्रू विच वी फॉर्ज अलायंस विद द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड। हमारे इसी प्रयास में एक और चैप्टर जुड़ गया जिसका नाम है वैक्सीन डिप्लोमेसी। यू सी फ्रेंड्स, कि वैक्सीन आने से पहले भी इंडिया ने अमेरिका को हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन सप्लाई किया। हमने बहुत सारे देशों को उन दवाइयों को सप्लाई किया है जो उनको मलेरिया में या अन्य बीमारियों में हेल्प करता है और आज इंडिया इज नोन एज फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड बिकॉज वी आर वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ फार्मास्यूटिकल्स एंड वी सप्लाई अक्रॉस द वर्ल्ड टू मल्टीपल नेशंस। उसमें हम आज बात करने वाले हैं व्हाट इज द वैक्सीन डिप्लोमेसी और इसके मेन पार्ट्स क्या हैं। इससे पहले फ्रेंड्स, हम बात करेंगे आपके लिए 25 जनवरी को वी आर गेटिंग अ न्यू बैच स्टार्टेड। तो 6 मंथ्स का हमारा बैच शुरू हो रहा है यूपीएससी प्रीलिम्स का, जिसमें आपको मिलता है पूरा सिलेबस कवरेज विद इंडियाज टॉप एजुकेटर्स, जिसको आप एनरोल कर सकते हैं, जिसमें यू गेट एवरी थिंग जो आपको चाहिए रिगार्डिंग द प्रीलिम्स। फ्रेंड्स, इसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस कोड का इस्तेमाल करके आप डिस्काउंट भी प्राप्त कर सकते हैं। यदि फ्रेंड्स आपका टारगेट 1 साल के प्रिपरेशन का है और आप सीएससी 2022 को फोकस करना चाहते हैं तो भी हमारे बैच 25 जनवरी को शुरू हो रहे हैं, जिसमें यू गेट द टोटल प्रीलिम्स कवरेज एंड मेन्स कवरेज, लाइव क्लासेस विथ इंडियाज टॉप एडुकेटर्स इंक्लूडिंग द पीडीएफ मटेरियल। तो वहां पे भी आप फ्रेंड्स सब्सक्राइब करके अपने 1 साल की प्रिपरेशन को पूरा कर सकते हैं। यदि आप एनसीईआरटी के माध्यम से फाउंडेशन को बिल्डअप करना चाहते हैं फ्रेंड्स, तो हमारा बैच 25 से शुरू होगा, जिसमें हम पूरे एनसीईआरटी को कवर करेंगे दोनों माध्यम में और आप देखेंगे कि पूरा हमारा कवरेज बेस्ट होगा जिसमें फाउंडेशन को बिल्डअप किया जाएगा। इन सभी के लिए फ्रेंड्स आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं अनअकैडमी के ऐप पर जाकर वेबसाइट से और इस कोड का इस्तेमाल करके आप डिस्काउंट भी प्राप्त कर सकते हैं। फ्रेंड्स, क्लासेस के लिए मैं रोज सुबह 11 से 12 हिंदू पे डिस्कशन रोज करता हूँ डिटेल में, उसको आप सब्सक्राइब करने के लिए या उसको फ्री सेशन को अटेंड करने के लिए फॉलो मी ऑन दिस टेलीग्राम ग्रुप, जहाँ पे आपको क्लास की सारी अपडेट्स और नोट्स मिलते रहेंगे। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं आज के इस वैक्सीन डिप्लोमेसी को लेकर। फ्रेंड्स, आप देखें कि इंडिया ने अपने पड़ोसी देशों के साथ में कुछ एग्रीमेंट्स किए हैं, जैसे अफगानिस्तान को हम वैक्सीन सप्लाई करेंगे। पाकिस्तान ने अभी तक मांग नहीं की है, फिर भी अगर मांग आती है तो इंडिया में कंसिडर टू सप्लाई देम द वैक्सीन्स। मालदीव में या मालदीव को 1 लाख डोज हम सप्लाई करेंगे जो वेडनेसडे मतलब आज पहुंचने वाला है। नेपाल को करीब 10 लाख डोजेस दिए जाएंगे, भूटान को करीब 10 लाख डोज दिए जाएंगे और बांग्लादेश को भी 20 लाख डोज हम देंगे। इसके साथ ही साथ श्रीलंका में भी शिपमेंट पहुंचेगा, जिसके डेटा अभी सरकार ने जारी नहीं किए। तो यू कैन सी कि इंडिया अपने सभी सार्क देशों के साथ में वैक्सीन की सप्लाई से अपने वैक्सीन डिप्लोमेसी को मजबूत करेगा और इंडिया अपने फॉरेन संबंधों को मजबूत करने का प्रयास करेगा। भूटान, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, मालदीव, अफगानिस्तान, ये सारे क्या हैं? सार्क देशों के, सार्क समुदाय के मेंबर्स हैं, जिसको इंडिया बल्क में वैक्सीन्स दे रहा है नेपाल को या भूटान को। इंडिया इज गिविंग एज अ गिफ्ट टू द नेशंस विदाउट एनी चार्ज। सो दिस इज व्हाट वी कॉल एज द वैक्सीन डिप्लोमेसी। दोस्तों, केवल सार्क ही नहीं बल्कि इंडिया के वैक्सीन का डिस्ट्रीब्यूशन इसके बाहर भी जाएगा। करीब 8 लाख डोज हम देंगे ओमान, मंगोलिया, म्यांमार, बहरीन, फिलीपींस, मालदीव्स एंड
मॉरिशस को कलेक्टिवली। सो इंडिया सार्क के बाहर भी जाकर इन देशों को, जिसमें गल्फ के देश हैं, मध्य एशिया के देश हैं, आसियान के देश हैं, वी आर गिविंग वैक्सीन्स टू दीज नेशंस। दिस विल हेल्प इंडिया टू फॉर्ज ए गुड अलायंस विद दीज नेशंस। इसके अलावा अगर हम बहुत दूर की बात करें तो ब्राज़ील ने भी हैदराबाद बेस्ड कंपनी भारत बायोटेक से अपना टाई अप किया है और ब्राज़ील के एयरक्राफ्ट ने कल ही वैक्सीन को कैरी किया है टू ब्राज़ील। एंड साउथ अफ्रीका ने भी डील की है विद द सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो पुणे बेस्ड है और करीब 1.5 मिलियन मतलब 15 लाख डोजेस साउथ अफ्रीका भी देकर जाएगा। तो फ्रेंड्स यू कैन सी कि ब्राज़ील हो या साउथ अफ्रीका हो या ओमान हो, मंगोलिया हो, म्यांमार हो, या फिर यू कैन सी द सार्क नेशंस, इंडिया इज नाउ नोन एज द फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड, जहाँ पे हम विश्व के प्रमुख देशों को वैक्सीन सप्लाई कर रहे हैं, कुछ को एज ए गिफ्ट भी दे रहे हैं, एंड दिस इज नोन एज द वैक्सीन डिप्लोमेसी। इसका इस्तेमाल आप अपने मेंस के आंसर में कर सकते हैं। मेंस के आंसर्स में जब भी बात आएगी कि इंडिया ने किस प्रकार से सॉफ्ट पावर से अपने फॉरेन पॉलिसी को मजबूत किया या हमें क्या और करना चाहिए, वहां पे इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो ये था हमारा वैक्सीन डिप्लोमेसी, और डिटेल डिस्कशन के लिए ऑन द हिंदू ऑन डेली बेसिस प्लीज ज्वाइन मी 11 to 12 इन द मॉर्निंग, और क्लास की लिंक आपको मिल जाती है इस टेलीग्राम ग्रुप पर। सो प्लीज फॉलो मी देयर ताकि हम सभी टॉपिक्स पर, सभी मुद्दों पर विस्तार से चर्चा कर सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और आप अपने कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।